क्या आपने कभी एफएम रेडियो सुना है? मिंज रेडियो चैनल, उम्मीद करता हूँ सुना होगा, लेकिन अब आप नहीं सुनते हैं, पहले सुनते थे। एनीवेज आजकल रेडियो कोई नहीं सुनता, लेकिन क्या होगा अगर आपके मन में कभी रेडियो सुनने का विचार आए और आपके पास रेडियो ना हो, तो आप सिंपली अपने सिंपल डिवाइस स्मार्ट डिवाइस के एफएम ऐप में रेडियो सुनेंगे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि आप अपने एरिया के नजदीक ही एफएम चैनल्स को सुन सकते हैं, दूर के नहीं, और उसमें आपका पसंदीदा एफएम चैनल भी नहीं आता हो तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स डोंट वरी, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जानेंगे जहां पर आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से फ्री में वर्ल्ड वाइड लगभग जितने भी रेडियो चैनल्स हैं उनको आप लाइव सुन सकते हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आप अपने डिवाइस में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओके, क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में रेडियो गार्डन टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सर्च रिजल्ट में टॉप वाले वेबसाइट http://radio.garden पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आप रेडियो गार्डन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद से आपको रेडियो चैनल्स को प्ले करने के लिए आपको यहां प्रेस प्ले टू स्टार्ट रेडियो गार्डन के ऊपर जो प्ले का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स उससे पहले यहां नीचे आपको कुछ यहां बताया गया है, वांट द फुल एक्सपीरियंस, इंस्टॉल आवर फ्री एंड्रॉयड ऐप। तो फ्रेंड्स रेडियो गार्डन का एंड्रॉयड ऐप भी है, तो आप इसे इंस्टॉल पर क्लिक करके आप जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और इंस्टॉल पर क्लिक करके आप रेडियो गार्डन के ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करके आप रेडियो गार्डन को ऐप में भी सुन सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ प्ले के आइकन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स ये प्ले हो रहा है। प्ले होने के बाद फ्रेंड्स आपको इस ग्लोब को जूम करना है। ओके, जैसे आप ग्लोब को जूम करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ ग्लोब पर जितने भी आपको ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं वो सभी चैनल्स है, और उन सभी चैनल्स को आप प्ले करना चाहते हैं तो जो व्हाइट वाला या ग्रीन वाला कर्सर है इसे, जो व्हाइट वाला या ग्रीन वाला राउंड कर्सर है इसे आपको उस ग्रीन डॉट्स पर आपको पॉइंट करना है। जैसे आप इस कर्सर को व्हाइट या ग्रीन राउंड वाले कर्सर को उस डॉट पर पॉइंट करेंगे, उस ग्रीन डॉट पर पॉइंट करेंगे तो वो वाला पार्टिकुलर चैनल यहाँ प्ले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि रसिया का चैनल है और ये प्ले हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ आप अगर आप मैप को देखकर अपने अकॉर्डिंग एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ आपके लैंग्वेजेस का चैनल प्ले होता होगा। तो चलिए मैं यहाँ अपने मैप में अपने इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, प्ले मैं इसे लॉक कर देता हूँ। फ्रेंड्स लॉक कर देंगे तो आप जिस चैनल को प्ले किए होंगे वो चैनल प्ले हो जाएगा। उसके बाद से दूसरे चैनल पर आप कर्सर को पॉइंट करेंगे तो वो चैनल प्ले नहीं होगा, तो लॉक कर देंगे तो ये होगा। ओके, तो चलिए मैं पहले इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहा इंडिया, और इंडिया में जितने भी चैनल से वो आपको ग्रीन डॉट्स के रूप में दिखाई दे देंगे, और उन्हें आप प्ले करना चाहते हैं तो आपको जो वाइट या ग्रीन वाले राउंड कर्सर है उसे आपको उस ग्रीन डॉट पर पॉइंट करना है जिसे आप प्ले करना चाहते हैं। तो चलो मैं इसे पॉइंट कर दिया और मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ और इसे मैं प्ले करता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ इस कर्सर इसे प्ले करता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि विदिशा, तो फ्रेंड्स ये अनेबल है। तो फ्रेंड्स इस समय शायद यहाँ बहुत से चैनल्स बंद है, तो आपको जो चैनल चालू ऑन है उसे ही आपको प्ले करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं इस यहाँ राउंड या ग्रीन वाला कर्सर को इस ग्रीन डॉट पर पॉइंट करता हूँ। तो फ्रेंड्स ईशानी रेडियो उज्जैन इंडिया है, तो मैं इसे प्ले करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, और यहाँ संग भी प्ले हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप यहाँ चैनल्स को प्ले कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड जितने भी चैनल्स। ओके, तो फ्रेंड्स जितने भी आपको इस ग्लोब पर जितने भी ग्रीन डॉट्स के आइकन दिख रहे हैं वो सभी एफएम चैनल्स है, रेडियो चैनल्स है, और उन्हें आप प्ले करना चाहते हैं तो जो ए राउंड वाला या ग्रीन वाला कर्सर है इसे आपको उस ग्रीन डॉट पर आपको पॉइंट करना है। जैसे आप उस ग्रीन डॉट पर इस कर्सर को पॉइंट करेंगे तो वो वाला चैनल प्ले होने लगेगा। ओके, तो आपको देख सकते हैं कि मैं इस कर्सर को पॉइंट किया हूँ तो ये चैनल प्ले हो रहा है, जैसे कि ये रसिया का चैनल है और ये प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ ग्लोब में जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं वो सभी चैनल से, तो आप इस कर्सर राउंड वाले व्हाइट या ग्रीन कर्सर को जूम करके उस डॉट्स पर पॉइंट करेंगे तो वो वाला पार्टिकुलर चैनल जिस पर आप कर्सर को पॉइंट किए होंगे वो वाला चैनल प्ले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जर्मनी का चैनल है और ये प्ले हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। ओके, आपको सुनाई दे रहा होगा। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, आपको सुनाई दे रहा होगा। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ग्लोब पर जितने भी चैनल से उनको आप यहाँ प्ले कर सकते हैं। और आप ग्लोब को अगर फ्रेंड्स आपको मैप नहीं देखने आता आप, तो आप यहाँ सर्च पर क्लिक करके आप एरिया के अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग या स्टेशन यानी एफएम के नेम एंटर करके आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इस वाला आइकन पर क्लिक करके आपको कोई चैनल पसंद आ गया तो उसे फेवरेट कर सकते हैं। उसके बाद से एक्सप्लोर पर क्लिक करके आप ग्लोब में जितने भी चैनल्स हैं उन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
मीन्स प्ले कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको यहाँ रेडियो गार्डन का ऐप है, इसे आप गेट पर क्लिक करके आप रेडियो गार्डन का ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ इन्फॉर्मेशन में यहाँ रेडियो गार्डन के बारे में पढ़ सकते हैं और यहाँ सबमिट रेडियो स्टेशन पर क्लिक करके और कोई ऐसा स्टेशन जिसे यहाँ रेडियो गार्डन पर अवेलेबल है तो आप उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ सकते हैं। ओके, और फ्रेंड्स जैसे आप ग्लो पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कोई चैनल पसंद आ गया, ओके, और उसे आप पसंद आ गया और उसे आप शेयर करना चाहते हैं तो इस शेयर के आइकन पर क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं। ओके, और यहाँ या और यहाँ लॉक पर क्लिक करके आप किसी चैनल को लॉक कर सकते हैं और जैसे किसी दूसरे चैनल पर कर्सर को पॉइंट करेंगे तो वो वाला चैनल प्ले नहीं होगा तो लॉक इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से वर्ल्ड वाइड जितने भी चैनल से उनको आप लाइव सुन सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो उसमें लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, हैव ए गुड डे।